लोकसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। इसके मद्देनजर भाजपा नागपुर महानगर द्वारा एयरपोर्ट परिसर में देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में बैनर लगाए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को राज्य में बहुत कम सीटें मिली, इसे देखते हुए फडणवीस ने इस्तीफे की बात कही। कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तीफा ना देने की मांग करते हुए बैनर लगाए गए हैं। इसी श्रृंखला में पिंटू झलके ने क्या कहा, आइए डालते हैं एक नज़र। नागपुर एयरपोर्ट पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर द्वारा जो है एक बोर्ड लगाए दिखाई दे रहा है, बैनर है, उस पर लिखा है जब तक है दम लड़ते रहेंगे हम देश धर्म और समाज के लिए। ये बैनर लगाया गया है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनको इन्होंने जो टिप्पणी की थी प्रेस लेकर कि उप मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देना चाहते हैं, उसके बाद ये कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया बैनर है, क्या बताओ? नहीं, निश्चित ये बैनर लगाने के पीछे का एक ही मकसद है कि देवेंद्र जी ने इस महाराष्ट्र की जिस प्रकार से सेवा की है, गत अनेक वर्षों से उन्होंने मुख्यमंत्री के नाते हो या उप मुख्यमंत्री के नाते हो जिस प्रकार से अच्छा काम करके इस महाराष्ट्र को सुंदर और विकसित किया है, उसी विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए आने वाले विधानसभा तक के उन्होंने सरकार में रहना चाहिए, साथ ही में संगठन को मदद करना चाहिए और सत्ता प्लस संगठन का समन्वय साधते हुए इस राज्य पे फिर एक बार भारतीय जनता पक्ष और महायुति का भगवा झंडा विधानसभा पे फहराना चाहिए, ऐसी हम सब कार्यकर्ताओं की इच्छा है। और हम सब कार्यकर्ता देवेंद्र जी को विनती करने वाले हैं कि आप सत्ता में रहिए और किसी भी प्रकार का त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है। इसलिए अटल जी ने कहा है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। इसलिए हम अटल जी के कार्यकर्ता है और उनके राह पर चलने वाले कार्यकर्ता है और हम देवेंद्र जी को फिर एक बार कहना चाहेंगे कि देवेंद्र जी आप ही के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में आप फिर एक बार भारतीय जनता पक्ष और महायुति की सत्ता लाइए। जिस तरह से आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, बैनरबाजी की जा रही है, आप मिलोगे उनसे, तो क्या लगता है आपके जो प्रयास है वो सफल हो पाएंगे? नहीं, निश्चित हमारे प्रयास सफल होंगे क्योंकि भारतीय जनता पक्ष हमेशा लोगों के लिए काम करने वाला पक्ष रहा है। इस चुनाव में कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से हमें कई जगह पर पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चुनाव कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इस चुनाव ने हमको सिखाया है, उस सीख से हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित आने वाले विधानसभा में जो भी कमियां हैं वो खामियों को हम दूर करते हुए विधानसभा में आगे जाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि ये बैनरबाजी कर जो है उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ प्रयास किया जा रहा है, ये कितने सफल होते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षिति जा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।